नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नाबालिग से रेप के आरोपी के मकान पर चला मामा का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना था मकान। साथियों, आपको बताते चले कि एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक महाकाल के नगरी उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी भरत सोनी के अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने यह मकान सरकारी जमीन पर बना रखा था। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। बताते चले कि सतना की रहने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में रहने वाले भरत सोनी ने रेप किया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। अब आपको बताते चले कि आरोपी के अवैध मकान को तोड़ दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक भरत सोनी का मकान सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ था, जिसे प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। ऑटो चालक भरत की नानाखेड़ा क्षेत्र में मकान से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक गुमटी भी थी, जिसमें वह चाय पान का व्यापार करता था। सोनी परिवार के मुताबिक पुलिस ने भरत की गुमटी से ही गिरफ्तार किया था। ऑटो चालक ने बालिका के साथ बर्बरतापूर्वक दुष्कर्म किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से उसकी चल और अचल संपत्ति का पुलिस पता लगा रही थी। आरोपी की मां ने एबीपी न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि जिस मकान को नगर निगम ने जमींदो कर दिया, उसमें उनके परिवार के 12 सदस्य रहते थे। उनके परिवार के एक बेटे की कुछ महीने पहले मृत्यु हो चुकी है, जबकि भरत अभी पुलिस अभिरक्षा में है। परिवार के लोग भरत की शादी की तैयारी कर रहे थे। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TIN न्यूज।